हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखें, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बताए गए थे और उसी लेवल पे यहाँ पर स्टॉक चलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर बट कॉशियस रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं अभी निफ्टी 50 की, हम बात करेंगे यहाँ पर डो जोन्स की। ओके, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही यहाँ पर कुछ ना कुछ हो पाएगा। अगर मार्केट भागेगी तो भी उस बेसिस पर ही भागेगी, और मार्केट अगर गिरेगी तो भी उसी बेसिस पर गिरेगी। तो पूरा पूरा वीडियो यहाँ पर लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे तब जाके यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉशियस माइंड एज वेल एज यहाँ पर एक जो प्रॉफिट वाला और एक बिजनेस माइंड होता है, वो दोनों हमें लगाने की जरूरत होती है जब ट्रेडिंग की बात होती है। एज वेल एज अगर आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटल भी यूज करते हैं तो भी, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो ऊपर चीजें लेते हो उसे लेने से यहाँ पर फंसने से बच जाएंगे, और आप यहाँ पर कहाँ पर चीजें ले पाएंगे, या तो बीच में ही आप पर कहीं पर बाइंग की होगी आपकी, या फिर नीचे के टाइम पे आपकी बाइंग होगी, क्योंकि एग्जैक्ट लो एग्जैक्ट हाई, ओके, कोई नहीं बता पाएगा। ना तो आप भगवान है ना मैं भगवान हूँ, ओके, तो इसलिए एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, बट बीच में कहीं ऐसी जगह पर होगी, और फिर जब और नीचे आएगा तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी रहेगी। तो आप अच्छा खासा पैसा जब मार्केट रिकवर होगी तो आप बनाते हुए नजर आएंगे, और मार्केट रिकवर होगी इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, जैसे सूरज है, ओके, जैसे चांद है, ओके, दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। सेम एज अगर बात करें यहाँ पर मार्केट भी रहेगी, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल जो आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करें, वीडियोज को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, दूसरे के साथ शेयर करिए, और ये नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और दो स्टॉक से रिलेटेड और बातें करेंगे जहां पर इसी वीडियो में, जहां पर आपको मेरे फेवरेट स्टॉक जहां पर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर एक बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। तो निफ्टी 50 में हम बात बात करें तो यहां पर निफ्टी 50 से पहले मैं आपको कुछ यहां पर दिखाना चाहता हूँ, डो जोन्स। ओके, यहाँ पर जब हम डो जोन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मार्केट किस तरीके से नीचे गई। ओके, हमने यहाँ पर लेवल निकाल के रख रखे थे, मार्केट ने इसी तरीके से उस लेवल को भी यहाँ पर तोड़ा, क्रॉस किया यहाँ पर एक नीचे जाके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है लगातार। और अगर मार्केट जब तक इस लेवल से नीचे नीचे नहीं है, ओके, यहाँ पर है और इसके ऊपर चलती रहेगी तो अच्छा रहेगा, और इस लेवल को अगर निकाल देती है तो याद रखिए रेजिस्टेंस तोड़ेगी, और रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो एक रैली आप यहाँ पर मार्केट में देख सकते हैं। प्रे करिएगा कि इस वाले पॉइंट को जो है 32609 का पॉइंट है, 32610 का पॉइंट है, ये क्रॉस करते हुए नजर आए। एक बार ये क्रॉस किया तो फिर एक एक करके यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा, फिर एक ये रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा, और धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा हम बात करें नैस्डैक, नैस्डैक 100 भी आप देख सकते हो। नैस्डैक 100 का मैंने आपको एक बेहतरीन स्टॉक बताया ही है, यहाँ पर वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको एक स्टॉक बताया है, कब बताया है, यहाँ पर देखिए नैस्डैक 100 का एक स्टॉक, इस वीडियो को देखिएगा, इसने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो नैस्डैक यहाँ पर देखिए, इसने अपनी रेजिस्टेंस था उसे यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। क्यों? क्योंकि नैस्डैक किससे बना है, एक आईटी और टेक्नोलॉजी के शेयर से बनता हुआ दिखाई दिया है, और जब यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया, एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट रिकवर होती है, जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट रिकवर होगी, तो एक अच्छी खासी जंप देखी जाएगी जो इसे यहाँ पर फिर धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक गिरावट होती है, जो मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में बात करी थी, मार्केट आने वाला है, बियर मार्केट की हिस्ट्री और सब चीज यहाँ पर समझाया था, तो आपको बताया था कि मार्केट कब तक यहाँ पर गिरी रह सकती है, किस लेवल तक गिरी रह सकती है, कितनी गिरावट आज तक हुई है, तो लगभग उसी 26% 30% की गिरावट नैस्डैक में देखी जा रही थी, डो जोन्स में भी सेम, यहाँ पर निफ्टी भी इसी तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा था। तो उस चीज को समझने की जरूरत है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर काम करने की जरूरत है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार डो जोन्स फ्यूचर का। तो डो जोन्स फ्यूचर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में आज के दिन उथल पुथल थी, सेम एज इट इज, अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर नीचे जा रहा था, बट यहाँ पर जो एक कैंडल बन रही है, ओके, और यहाँ पर जो ये स्पिनिंग टॉप की जो कैंडल बनी है, कल की डेट में अगर ऊपर जाता है तो एक बुलिश, याद रखिएगा जब ये कैंडल बनती है और इसके ऊपर एक हरी कैंडल बन जाती है, ओके, तो एक बुलिश कैंडल मानी जाती है, और बुलिश कैंडल का मतलब है कि एक रैली होने वाली है, ओके, और वो रैली यहाँ तक
यहाँ पर जो ये इसके जितने भी ये रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहे हैं, ओके, इन रेजिस्टेंस पॉइंट को ये क्रॉस करती हुई नजर आएगी। होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। नहीं भी समझते, डेली वीडियो देखे तो पता चल जाएगा, एज वेल एज हम जब टेक्निकल की क्लासेस बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ जब शुरू करने वाले हैं, जब यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये होगी ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है किससे रिलेटेड, यहाँ पर आपको ध्यान देना है फॉरेन मार्केट से रिलेटेड। फॉरेन मार्केट को यहाँ पर देखते रहिए, डोजोंस को यहाँ पर देखते रहिए, नाइट में यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर आपको एक क्लियर कट व्यू आपको नजर आएगा कि एग्जैक्टली हमारे मार्केट में क्या होगा। क्योंकि हमारा मार्केट कहीं ना कहीं देखिए गिर नहीं रहा है, उसके पीछे DIIs का हाथ है, ओके, बट मार्केट भागेगा उसके पीछे हाथ होगा FIIs का। जब FIIs आना शुरू होंगे, ओके, तब याद रखिए मार्केट भागना शुरू होगा। अभी मार्केट जो गिर रहा था वो FIIs के गिरने गिर रहा था, बट हमारा मार्केट अगर DIIs नहीं हो तो जिस तरीके से वो खरीद रहे हैं तो यहाँ मार्केट यहाँ पर होता आज के डेट में, ओके, यहाँ पर नहीं होता, फिर FIIs भी आ जाते। तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा समझ के आपको काम करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ एक सेक्टर से रिलेटेड, निफ्टी मेटल बात कर रहे हैं, चाइना का। चाइना का बहुत जगह से यहाँ पर लॉकडाउन ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, ओके, लगभग 40 करोड़ पीपल उनके यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर है। और अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे धीरे धीरे यहाँ पर लॉकडाउन ओपन होगा और यहाँ पर उनके मेटल के स्टॉक्स भागते, कम्युनिटी यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी। और जब यहाँ पर कम्युनिटी यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी तो ऑब्वियसली बात है मेटल यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा, इंडेक्स भागता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पर आपको कॉशियस रहना है, याद रखिएगा क्या रहना है, कॉशियस रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एक लगातार जंप हो रही थी, तब लगातार जंप भी हो रही थी, इसने यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी बनाया, उसके बाद गिरता हुआ शार्प यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, और एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, ओके, यहाँ पर लास्ट पाइवट पॉइंट्स दिखा देता हूँ, अगर ये वाला पाइवट पॉइंट इसने क्रॉस किया तो याद रखिएगा एक गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है, जो इस इंडेक्स को सीधे के सीधे इस लेवल पे जाते 3584 के आसपास ले जाके छोड़ सकती है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। और वो कैसे हो सकता है, देखिए कोई भी शेयर लगातार गिरता नहीं है, कोई भी शेयर लगातार उठता नहीं है, सेम लगातार इंडेक्स भी नहीं भागता, सेम लगातार इंडेक्स गिरता भी नहीं है। तो एक गिरावट होगी, गिरावट के बाद हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा भागे, थोड़ा सा भागने के बाद फिर लगातार ये गिरावट हो, फिर थोड़ा सा भागे, फिर गिरावट हो, फिर थोड़ा सा भागे, फिर गिरावट हो। क्यों? क्योंकि आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल, ओके, तो आपको समझ में आएगा। जैसे जुबिलेंट फूड, ओके, यहाँ पर भागा, भाग के यहाँ पर गिरावट हुई, फिर भागा, फिर यहाँ पर गिरावट हुई, फिर भागा, फिर गिरावट हुई। ये एक क्या रहता है, ये रहता है बड़े बड़े लोगों का एक फंडा कि हमें अगर कोई गिरावट में ऊपर के लेवल पे हमें माल बेचना है, वो ऊपर के माल लेवल पे बार बार माल को बेच देते हैं, और हमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसा देते हैं। तो इस चीज को कॉशियस होकर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, बट एक लिमिट होती है, वो लिमिट यहाँ पर क्रॉस हो गई, अब यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इससे रिलेटेड कभी और बात करेंगे, बट हम बात कर रहे हैं अभी निफ्टी मेटल की। तो निफ्टी मेटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गिरावट हो गई है, ओके, यहाँ से जंप आ सकता है, और उस जंप को भी यहाँ पर जाके देखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, अगर यहाँ पर ने क्रॉस कर रहा है तो वेल एंड गुड, ओके, और क्रॉस करते करते यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ पर एक कॉशियस, एज वेल एज यहाँ पर से ऊपर जाके नीचे आता है तो याद रखिएगा यहाँ पर एक बियरिश मेटल में बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया, जो इसे यहाँ तक खींच के ला सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस माइंड अपना के ही आप काम करिएगा। तो निफ्टी मेटल का ये भी हो गया। तो अब मैं आपको दो स्टॉक्स ऐसे बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर एक बेहतरीन स्टॉक्स है, ओके, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टिन प्लेट। टिन प्लेट यहाँ पर एक टाटा स्टील, अगर बात करें टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, ओके, टाटा स्टील लिमिटेड की एक सब्सिडरीज है। कंपनी करती क्या है, कंपनी कंटेनर बनाती है, पैकेज कंटेनर कह सकते हैं, एडिबल ऑयल और जो पेंट्स हैं, केमिकल्स, मैंने इससे रिलेटेड एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी। इससे रिलेटेड यहाँ पर शेयर क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेल्स, कंपनी के हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पर मार्जिन भी क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट था। कंपनी हाईएस्ट एवर यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रही थी। कंपनी में FIIs ने भी यहाँ पर बाइंग करी है, DIIs ने भी थोड़ी सी बाइंग करी है, ओके, और पब्लिक की बाइंग भी 22% के आसपास की है, उसमें भी कुछ बड़े लोग हैं। तो इसे बताने के पीछे रीजन क्या है कि ये शेयर यहाँ पर गिर गया है, ओके, मार्केट की गिरावट में भी ये शेयर यहाँ पर गिर गया। जब ऐसे शेयर मार्केट की गिरावट में गिर जाते हैं ना, तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है उन्हें खरीदने की।
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर होता है, ये सपोर्ट नजर आ रहा था वो सपोर्ट यहाँ पर तोड़ दिया है। अब एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, ओके यहाँ ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन है, इन्हीं के बेसिस पे काम करता है। इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया तो सिंपल बेचना, यही आपको बड़े बड़े लोग दिखा दिखा के बताते हैं कि यहाँ पर ये टूट गया है और इसी चीज के पैसे ले लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कोर्स बता देते हैं और सब कुछ इसी के ऊपर खेल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये एक सपोर्ट नजर आता है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पर ठहर जाता है तो और इसके बाद चीजें ऊपर जाना शुरू करती है, तो एक रैली होगी जो इसे यहाँ पर ओके इसे 446 रुपए तक लेके जाएगी, जो कि लगभग कितने रुपए बनते हैं, जो कितना परसेंटेज बनता है मैं आज के उससे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 43% का यहाँ पर बनता है और यहाँ पर रिजल्ट देख ही लिए, कंपनी A1 परफॉर्मेंस कर रही है, मेटल में गिरावट है, इस शेयर में भी गिरावट हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे बट एक सपोर्ट नजर आता है, ये इस सपोर्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा, चीजें यहाँ पर टच होके या तो ऊपर जाएगी या इसे इसे टच करके नीचे आएंगी और नीचे आने पर एक सपोर्ट यहाँ पर बनता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक इक्वल चैनल भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक दो ट्रेंड लाइन दिखाई है। जब भी इस तरीके का भी चैनल बनता है तो याद रखिए इस तरीके का चैनल ऊपर की तरफ जाके ओके एक अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आता है, पहले रिटर्न ये और दूसरे रिटर्न और भी ऊपर जाके दिखाई दे सकते हैं। तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है, टिनप्लेट इस शेयर का नाम है, ये शेयर बार बार ऊपर नीचे आके तब यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, मतलब हायर हाईज बना रहा है और हायर ही लोज बना के ये चीजें काम करती हुई नजर आ रही है, शायद कल की डेट में यहीं से ही ऊपर चली जाए। तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना है, बेहतरीन शेयर है, रिटर्न देने के मामले में काफी अच्छा है और इसके रिजल्ट हम देख ही चुके हैं। अब एक और शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि और बार बार मैंने आपको उस शेयर को रिकमेंड किया है जिसका नाम है DCM शेयर। DCM श्रीराम एक कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब इसमें अलग अलग कंपनी काम करती नजर आती है, मतलब ये अलग अलग सेगमेंट में काम करता है, ये सीमेंट में भी है और ये अगर हम बात करें ये कंपनी काम करती है शुगर सेक्टर में भी। तो जब शुगर भागता है तो ये शेयर भागता है, सीमेंट भागता है तो ये शेयर भागता है, बट बिफॉल्ट में इसे गिरा रहे हैं और गिराने पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ना महंगा है ना सस्ता है, ओके ROC ROE काफी बेहतरीन है इस कंपनी की और मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पर देखिए कंपनी के नंबर, हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पर मार्जिन देखिए, ईयरली बेसिस पे भी मार्जिन सब बेहतर, क्वार्टरली बेसिस पे भी मार्जिन बेहतर और हाईएस्ट एवर कंपनी के नंबर आए हैं, लगातार एक कंटिन्यूटी के साथ ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस दे रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, FIs ने यहाँ पर खरीदा है, DIs ने थोड़ा सा ना के बराबर बेचा है, ओके पब्लिक के पास 20.43% के शेयर है, उसमें भी लगभग 7-8% के शेयर बड़े बड़े लोगों ने ले रखे है। तो ये चीजें हमें क्या समझने की बात है, ये चीजें समझने की बात है कि ऐसे शेयर जब नीचे आते हैं तो हमें बेचने नहीं होते, ऐसे शेयर को यहाँ पर खरीदने का मौका आता है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक राइजिंग वेव बन रहा था और यहाँ पर एक इक्वल चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, और जब इस तरीके का चैनल बनता है तो याद रखिए एक तेजी दोबारा होती हुई नजर आती है, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, क्योंकि यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मायने रखते हैं। बार बार देखिए इसी जगह पर आके यहाँ पर देखिए ये यहाँ पहले यहाँ पर ऊपर आके यहाँ पर नीचे आया था, फिर यहाँ पर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, फिर नीचे आया, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है, जब तक इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा, तो इस बार ये शायद इस लेवल को क्रॉस कर सकता है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये शेयर यहाँ पर नीचे के लेवल एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है जो आज का यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, तो एक सपोर्ट ये भी है, बट ये सपोर्ट टूटता है तो एक सपोर्ट यहाँ पर भी नजर आ सकता है और दूसरा सपोर्ट ये, तो चीजें यहाँ पर आ सकती है, बट यहाँ से भी अगर गिरती है तो फिर चीजें यहाँ तक भी आके दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर कॉशियस वे में रहना है, जब चीजें ऊपर की तरफ जाने लग जाए उसी टाइम में यहाँ पर बाइंग करने की सोचनी है, एज वेल एज इन सपोर्ट पॉइंट्स को भी हमें यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर देखिए तो एक इक्वल चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके जो कि यहाँ पर ऊपर के लेवल पर यहाँ नीचे के लेवल पर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और जब इस तरीके का चैनल बनता है तो यहाँ पर याद रखिए एक अच्छे खासी रैली होती हुई दिखाई दे सकती है, जो इस रैली को अच्छे खासे ऊपर तक के वे पे ऊपर जाके यहाँ पर रिटर्न देती हुई नजर आ सकती है। तो DCM श्रीराम और टिनप्ले ये दो बेहतरीन शेयर नीचे गिर चुके हैं टॉप से और इन दोनों के ही रिजल्ट क्या थे, बेहतरीन थे, और जब यहाँ पर अगली बार के जब इसके रिजल्ट आएंगे तब तक लगभग लगभग 20 से यहाँ पर 40% के रिटर्न आपको ये यहाँ पर देते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 30% के रिटर्न, वहाँ पर 43% के रिटर्न, तो इस तरीके से अच्छी कंपनी में पैसा डाल के स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आपको कमाने का जरिया बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के शेयर किस तरीके से चूज करते हैं वही बता दिया, और वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी
तो यहाँ पर इसका इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को नीचे लाइक का बटन है लाइक कर दीजिए, क्वेरीज है तो कमेंट कर दीजिए, दोस्तों का शेयर भी करिए कि हम इस तरीके से आपको सिखाते भी है और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ भी स्टडी करने से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।